नीदरलैंड्स की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस टू न्यूट्रिशन इनिशिएटिव ने चौंकाने वाले दावे किए हैं। इनकी रिपोर्ट बताती है कि पेप्सिको, यूनिलीवर, नेस्ले जैसी पश्चिमी देशों की बड़ी बड़ी कंपनियां कम आय वाले देशों में, जिसमें भारत भी शामिल है, कम रेटिंग प्रोडक्ट्स बेच रही हैं। यानी कि जो लोअर रेटिंग प्रोडक्ट्स हैं वो भारत के लिए रखे हुए हैं और जो हाई रेटिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको आप वेस्टर्न कंट्रीज में बेच रहे हैं, जबकि विकसित देशों में इन्हीं प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाता है। और भारत में जो रेटिंग्स आप देखेंगे डिटेल में आगे, तो आप पाएंगे कि कम रेटिंग वाले उत्पाद हमारे यहाँ बेचे जा रहे हैं। आज हम जानेंगे इस रिपोर्ट के वाकई में कितनी सच्चाई है इस रिपोर्ट में, और अगर ऐसा खेल चल रहा है तो कंपनियों के इस दोहरे खेल पर नकेल कौन कसेगा, कैसे कसेगा। और ये भी समझेंगे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर खराब है या ये लो रेटिंग प्रोडक्ट्स हैं तो इसका क्या मतलब है आपके लिए, हमारे लिए। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। लौट रहा हूं खास मेहमानों के साथ, पहले ये रिपोर्ट देखिए। क्या आपने कभी सोचा है कि जो पैकेज्ड फूड हम खा रहे हैं वो हमारे सेहत पर क्या असर डाल सकते हैं, खासकर के भारत सहित कम आय वाले देशों में जहां एक बड़ी आबादी हर रोज पैकेट में बंद इन फूड प्रोडक्ट्स पर निर्भर होती जा रही है। एक नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दुनिया की 30 सबसे बड़ी फूड और बेवरेजेस कंपनियां, जिसमें नेस्ले, पेप्सिको, यूनिलीवर जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं, वो भारत सहित कम आय वाले देशों में कम रेटिंग वाले प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। नीदरलैंड्स स्थित नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस टू न्यूट्रिशन इनिशिएटिव यानी ATNI ने एक ताजा स्टडी की है। इस स्टडी में ATNI ने नेस्ले, पेप्सिको और यूनिलीवर जैसी बड़ी कंपनियों के 52,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स का मूल्यांकन किया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में विकसित हेल्थ स्टार रेटिंग यानी HSR सिस्टम के आधार पर इन प्रोडक्ट्स की रेटिंग दी गई। इस रेटिंग में पाया गया कि कम आय वाले देशों में बेचे जा रहे प्रोडक्ट्स का औसत स्कोर 5 में से केवल 1.8 था, जबकि ज्यादा आय वाले देश में यही कंपनियां थोड़े बेहतर यानी 2.3 रेटिंग वाले प्रोडक्ट्स बेच रही थी। इसका मतलब ये है कि भारत जैसे देशों में हमें जो प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं वो कम रेटिंग वाले हैं। यानी एक ही कंपनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बड़े देशों में बेच रही है, जबकि भारत समेत कम आय वाले देशों में बेचे जाने वाले प्रोडक्ट कम रेटिंग वाले भेजे जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के मुताबिक पूरी दुनिया में 1 अरब से ज्यादा लोग मोटापे का शिकार हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से करीब 70% लोग कम और मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बढ़ते मोटापे का एक बड़ा कारण ये सस्ते और कम पौष्टिक फूड प्रोडक्ट्स हैं, जो बड़ी कंपनियां इन देशों में बेच रही हैं। ATNI के रिसर्च डायरेक्टर मार्क विजने ने चेतावनी देते हुए कहा है कि इन कंपनियों के प्रोडक्ट्स कम आय वाले देशों में लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहे हैं और इन देशों की सरकारों को इस मुद्दे पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इस मामले में नेस्ले और यूनिलीवर से जी बिजनेस ने प्रतिक्रिया या कार्यक्रम में प्रतिनिधि भेजने की गुजारिश की, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेप्सिको ने इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया देने से ही मना कर दिया। ATNI की ये ताजा स्टडी बड़ी और ब्रांडेड कंपनियों के खिलाफ सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बड़ी और दिग्गज कंपनियां अपने ब्रांड और लोगों की सेहत के साथ समझौता नहीं करती। बहरहाल ATNI की इस रिपोर्ट की और पड़ताल होनी चाहिए, और रिपोर्ट अगर सही है तो भारत सरकार को इसे लेकर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।